नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 30 नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। और आज के करंट अफेयर एमसीक्यू में से पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। जी हाँ, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगा के आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ए, यानी प्रकाश जावड़ेकर। अब प्रकाश जावड़ेकर क्या है प्रेजेंट टाइम पर? आप प्रकाश जावड़ेकर आप देखोगे कि ये हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होने के नाते इन्होंने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को क्या क्या है लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करते हैं। आप देखोगे कि इसकी वेबसाइट पर अगर हम सीधे चलें, यानी आप देखोगे कि जो इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है इसमें क्या क्या खास रखा गया है। तो अगर हम सीधे इसकी वेबसाइट पर चलें तो यहाँ पर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसके अंतर्गत ये रखा गया है कि इंडिया जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें क्या इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, जीएससी एमिशन कितना होता है, प्रोफाइल पर कैपिटा एमिशन कितना है, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हुई हैं। यानी आप देखोगे कि नेट एरिया अंडर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर परसेंटेज, सारी चीज़ें यहाँ पर अब दी गई हैं। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट चेंज किस तरीके से होता है, 5 तरीके के सब टाइप्स होते हैं। हॉट एंड ड्राई वेस्ट होता है, वार्म ह्यूमिड एंड डेकन रीजन्स होता है, यानी डेकन रीजन में ये होना, कंपोजिट अक्रॉस द अपर गंगेटिक प्लेन्स एंड द सेंट्रल एरिया इंडिया, टेम्परेचर सर्टेन हिली डेकन रीजन्स, कोल्ड एंड हिमालयन रीजन्स अक्रॉस द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। ठीक है, एनर्जी में सेक्टर वाइज एनर्जी में कंट्रीब्यूशन, मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि एनर्जी जैसे हम कोल से बिजली बनाते हैं तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर से कैसा इफेक्ट पड़ता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज से, और जो हमारा जो वेस्ट होता है घरेलू वेस्ट उससे हमारा क्या क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो आई होप आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में टॉप रैंकिंग पर, यानी फीफा ने अभी हाल ही में टॉप रैंकिंग निकाली, तो टॉप रैंकिंग पर कौन सा कंट्री है ये आपको बताना है। तो जैसे फ्रांस, आप देखिए फ्रांस सेकेंड पर है, ब्राज़ील थर्ड पर है, तो इसमें टॉप पोजीशन पर कौन ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या, बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो टॉप पोजीशन पर है फीफा की। ठीक है, अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करें कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर है फीफा रैंकिंग में 119th, यानी आप देखोगे 109 रैंकिंग है जो इंडिया की, तो काफ़ी निचले पायदान पे है इंडिया। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे बेल्जियम टॉप पोजीशन पर है, फीफा में फ्रांस सेकेंड पर और ब्राज़ील किस पर है, थर्ड पर है। उसके बाद यहाँ पर और भी कंट्री आती हैं, जैसे आपका यहाँ पर देखो इंग्लैंड फोर्थ पर है, पुर्तगाल यहाँ पर फिफ्थ पर है, स्पेन सिक्स पर है, अर्जेंटीना है, फिर उरुग्वे है, मैक्सिको है, इटली है, क्रोशिया है, इवन सारी यहाँ पर जो कंट्री हैं यहाँ पर फुटबॉल सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोकप्रिय गेम है, तो इसकी वजह से इनकी रैंकिंग भी आप देखोगे कि सबसे बेहतर स्थानों में आती है। फीफा की बात करें अगर, फीफा तो फीफा का यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखना है फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1904 यानी 1904 में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में यूएई के साथ रिव्यू किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो किस कंट्री ने अभी हाल ही में रिव्यू किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इंडिया। इंडिया ने अभी हाल ही में, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने अभी हाल ही में यूएई के जो शेख हैं, शेख अब्दुल्ला बिन अल जैद है ना, नेहान,
तो इनके साथ डिस्कशन किया और जो बायलेटरल इश्यूज़ हैं इंडिया और यूएई के बीच में उनको रिड्यूस करने, उनको जो है उनको इशू डिस्कस किया गया है ना। इंडिया और यूएई के बीच में अभी जो प्रेजेंट टाइम के रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर हैं है ना। और आप देखिए कि इंडिया और यूएई के बीच में जो कल्चरल रिलेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें कि COVID-19 जो पेंडेमिक है उनमें इंडिया और यूएई किस तरीके से एक साथ काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ सकते हैं, हेल्थ पर, पेंडेमिक पर, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात हुई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमारे नितिन गडकरी हैं, इन्होंने भी हाल ही में एक फाउंडेशन स्टोन रखा, मतलब एक आधारशिला रखी। कुछ हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, तो इन नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट होंगे वो कौन से राज्य में चलाए जाएंगे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि यहाँ पर 500 किलोमीटर में के लगभग 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और जिसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 7,477 करोड़ रुपीज़ ये आएगी। और उसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया? तो 26 नवंबर 2020 को यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट इंडिया लॉन्च किया है, इन्वेस्ट इंडिया लॉन्च SDG इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले आपको यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNDP, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने भी हाल ही में क्या किया है, एक जो इन्वेस्टर मैप है फॉर द इंडिया, 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट किए जाएँ, कहाँ पर 6 क्रिटिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनेबलिंग सेक्टर्स में, जो कि हेल्प कर सकें इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। चलिए यहाँ पर आपको डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होते हैं, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए किया जाए, यानी जो फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाए। ठीक है, तो ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे फ्यूचर को हार्मफुल ना करे। ठीक है, आप देखिए फ्यूचर जनरेशन को हार्मफुल ना करे, जैसे फॉर एग्जांपल हम डेवलपमेंट कर लें लेकिन आने वाली जनरेशन के पास पानी ना हो, एयर अच्छी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यानी सारे ग्राउंड वाटर को हम यूटिलाइज कर लें, हम लोग सारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनको कट करके यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला दें, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर नहीं होगा। हमें ध्यान में रखना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखते किया जाए। तो 2030 तक यहाँ पर आप देखोगे जो SDG है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसको अचीव करने का एक एजेंडा रखा गया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें 6 क्रिटिकल, मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो इन्वेस्टमेंट आ जाने से यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में 2030 तक हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसमें यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसने यहाँ पर इन्वेस्टर इंडिया में जो है लॉन्च किया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट में अभी हाल ही में इंस्टॉल किया जाएगा लाइफ स्टाइल स्टैचू, किसके, ये जो फुटबॉल लीजेंड थे डियागो मैराडोना जो ब्राज़ील के थे उनका एक स्टैचू तैयार किया जाएगा, तो कौन से राज्य ने ऐसा निर्णय लिया? तो ऐसा लिया है गोवा ने। गोवा के जो हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं आप देखोगे तो वो हैं हमारे यहाँ पर प्रमोद सावंत जी है ना। उन्होंने अभी हाल ही में डिसीजन लिया कि लाइफ साइज एक स्टैचू यहाँ पर बनाया जाएगा डियोगो मैराडोना का, जो कोस्टल बेल्ट होगा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पर ये स्टैचू बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने भी हाल ही में एक LOU लॉन्च किया है, तो LOU का मतलब यहां पर क्या है? लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी तक आपने MOU सुना हुआ था, ये LOU क्या है? ठीक है, तो LOU एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है जिसमें आप देखोगे यानी जितने भी दोनों पार्टियों के बीच में जितने भी एरिया होते हैं उन पर वन बाय वन बहुत डिस्कस किया जाता है, उन सभी मुद्दों को डिस्कस किया जाता है, जबकि MOU में सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन डिस्कस की जाती है।
आउटलाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी सेक्टर से उसके बारे में कोई भी समझौता हुआ है तो उसमें हाँ कितने पक्का समझौता हुआ बस आउटलाइन पर। लेकिन एलओयू में क्या होता है कि यानी यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो किसी भी सेक्टर में तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसका प्रॉफिट नेट क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर एलओयू में डिस्कस किया जाती। तो अभी हाल ही में एलओयू डिस्कस किया गया है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, किस लिए अचीव किया गया है यहाँ पर, टू अचीव द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी गोल्स, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक एलओयू साइन किया गया, किस राज्य सरकार ने साइन किया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में ये लॉन्च किया है। तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द राजस्थान एंड यूएन फूड प्रोग्राम अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जीरो हंगर है ना, और हमारे यहाँ पर तो इसको अचीव करने के लिए और न्यूट्रिशंस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर ये एलओयू साइन किया गया। एमओयू नहीं, एलओयू याद रखिएगा, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म कहीं आ जाए तो वो भी आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री के बीच में एमओयू साइन हुआ। देखिए यहाँ पर एमओयू आ गया, टू वॉज साइन द डेवलपिंग कॉरपोरेशन फील्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस। तो अभी हाल ही में किसके कंट्रियों के बीच में साइन हुआ, तो ये साइन हुआ इंडिया और फिनलैंड के बीच में। इंडिया और फिनलैंड के बीच में अभी हाल ही में एक एमओयू साइन हुआ जिसमें आप देखोगे कि दोनों देश अभी हाल ही में कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। कहाँ पर? जो फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट है, प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी बायोडाइवर्सिटी और साथ साथ में हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन पर काम करने के लिए इंडिया और फिनलैंड यहाँ पर काम करेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जैसे फिनलैंड की, तो फिनलैंड एक तरीके से नॉर्डिक कंट्री है, और जो कि नॉर्डिक कंट्री आप प्रेजेंट टाइम पर अगर देखा जाए तो ये सबसे जल्दी से ये क्या कर लेंगे, यानी जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसको आसानी से क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो उनकी कुछ टेक्नोलॉजी है, उनकी टेक्नोलॉजी को भी हम अडॉप्ट करें, इसके लिए यहाँ पर एक एमओयू साइन किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने पार्टनरशिप की है वर्ल्ड लाइन के साथ, जो लॉन्च कर रहा है एसएमएस पे फंक्शनल ऑन द पीओएस टर्मिनल। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है यस बैंक ने। अब इसमें है क्या, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। अगर आप देखें, यानी जैसे आप किसी भी शॉप पर जाते हो तो वहाँ पर एक मशीन होती है पीओएस मशीन, है ना। आप उसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपना देते हो और पिन डालते हो, उसके बजाय यहाँ पर आप क्या होता है कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाता है। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये कॉन्टेक्टलेस होगा, ये एसएमएस पे होगा। जैसे कि मतलब पीओएस पर मशीन पर जाओगे तो वहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को क्या करोगे, फिलअप करोगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद यहाँ पर क्या करोगे कि आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक एसएमएस जनरेट होगा, और एसएमएस जनरेट होने के बाद एक लिंक जनरेट होगा। उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पीओएस टर्मिनल पर जो भी अमाउंट है उसको क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टैक्टलेस यहाँ पर एक रिमोट पेमेंट है, जो कि कस्टमर्स को यहाँ पर उनका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होने की आवश्यकता नहीं है। सीधे वहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिलअप करेंगे और सीधे उनके पीओएस टर्मिनल पर पैसा पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, यस बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में 33rd प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मीटिंग अभी हाल ही में किसने अटेंड किए हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ याद होना चाहिए कि इसको हर बार अटेंड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे अटेंड करते हैं। ये पीएमओ में एक पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं प्रगति, और प्रगति से क्या होता है कि यानी ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये वॉच करते हैं कि जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वो उनका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो टाइम पर अपने कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो उनकी सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए ये पोर्टल बनाया जाता है जिसको हर बार शेयर करते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।